देख रहे हो? देख रहा हूँ कि ऐसा क्या है इस मंजीरे में कि इसके चक्कर में पढ़ाई छोड़ दी है, हाथ तोड़वा लिया है, जेल की हवा भी खाया है। इसमें ना तो कुछ खा सकते हैं, ना किसी को चाय तक पिला सकते हैं। और हल्का भी साला इतना है कि कील भी ना ठुकवा है। किस काम का है ये? वो ढक्कन उठाइए, मल्टीपर्पज है। उसको मुंह पे लगा लें तो बकवास बंद, पीछे लगा लें तो हगवास बंद, और इस्तेमाल के बाद धो लेना चाहिए, नहीं तो बवासीर हो जाएगा। अरे आपको दिक्कत क्या है हमसे? कम से कम हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। बाकी मोहल्ले के लौंडों के जैसे सड़क पे आवारागर्दी तो नहीं कर रहा है, लंठाई तो नहीं कर रहा है। पढ़ाई पे ध्यान दिए होते तो अरे नहीं गया ध्यान पढ़ाई पे, नहीं समझता हमको, क्या करें? दिमाग कम है, क्या करें? आप ही से मिला है दिमाग हमको, आप ही का डीएनए है हमारे अंदर। आप में था दिमाग? कपड़ा आप ही से बोल रहे हैं, आप में था दिमाग? अम्मा में है लगता है आपको? जब आप दोनों लोगों में दिमाग नहीं है, आप दोनों लोग शून्य हैं, तो हम कहां से आ रहे भट्ट हो जाएंगे? चुपचाप सुन लो और अपना काम करो। अरे सुन ही तो रहे हैं अम्मा, देखिए ना कैसा बुरा बुरा बोलते हैं। कितनी बार बोल दिए किताब हमारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, नहीं समझता। यही आता है हमको, या तो मुक्काबाजी करें या गली का गुंडा हो जाए, क्या चाहते हैं आप बता दीजिए हमको। 15 साल की उम्र में तेंदुलकर इंडिया के लिए क्रिकेट खेलने लग गया था। अगर उसके पिताजी इनके जैसे कॉपी किताब का बोझा लेके बैठ गए होते ना, तो आज इस देश के आधा बिजनेसमैन अपना सामान नहीं बेच पाते टीवी पे। अरे डेस्टिनी भी कोई चीज होता है। अरे अपना एक अचीवमेंट बता दीजिए ना हमको, कौन सा तोप काम किया है आप आज तक? हम कम से कम एक कप तो ले आए जिससे आपकी लेट हो पा रहा है। चलो अंदर चलो। हाँ अम्मा जा रहे हैं। देखो देखो हाथ में चोट लगा था। वही तो कर रहे थे ना, यही तो हमको ठोकते रहते हैं, कोसते रहते हैं। ये पैसन है हमारा, पैसन, पैसन समझता आपको? समझेगा कैसे, मान होगा तब ना। चलो जिंदगी का बेहतरा तू खेल ले, जिंदगी का बेहतरा तू खेल ले।